तमन्ना का काम हो गया गाइस। अरे यार बैटरी सिर्फ 34% बची है। हाय गोप्रो का बैटरी लाइफ और मेरी जिंदगी दोनों ही झंडे। अरे चचा ये क्या हो गया। चचा जी जल्दी चलो हम निकल जाएंगे। अरे अरे क्या हो रहा है, जेसीबी की खुदाई चल रही है गाइस। क्या व्यूज जाते थे यार जेसीबी की खुदाई के लिए वीडियोस पे यार। पता नहीं लोगों का क्या ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो देख के। 2016 to 18 के बीच में शायद ये ट्रेंड आया था, या 18 उसी आसपास कुछ ट्रेंड आया था। जियो के पॉपुलरिटी होने के बाद ही जब नेटवर्क चीप हो गए थे उस टाइम के आसपास कहीं आया था। तो कर दैट टेम्पल यार लेक के बीच में, पूरा लेक के बीच में वो टेम्पल है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है उधर। अगर मैं जाने वाला था जब मेरे कारकड़ा का मैंने वो टूर किया था। डू वॉच द कारकड़ा सीरीज गाइस, अच्छा लगेगा। बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी है हमारे इंडिया की उस ब्लॉग में। बहुत हिस्टोरिक प्लेस है, वन ऑफ द हिस्टोरिक प्लेस इस कारकड़ा। तो सर्कल से राइट ना, अभी तमन्ना ने जो बोला वो सब फॉलो करके तो आ गया मैं। दिस इज द बाईपास रोड, राइट जाऊंगा तो मैंगलोर ना पड़ुबुदरी। यस चलो अब टेंशन नहीं, अब स्ट्रेट रोड है। GoPro की बैटरी चेंज करनी पड़ेगी लग रहा है थोड़ी देर में रुक कर। लेट्स सी पड़ुबुदरी तक साथ दे दे तो बहुत है। यही होना चाहिए आई थिंक। यही है आई थिंक सौ रुपये रोड के, ये जो वो हेब्रिज आ रहा है। बस कुछ के हेलना लगवा दूंगा। या सही रूट पे था गाइस। आई एम ऑलवेज राइट भाई, माई इंस्टिंक्ट्स आर ऑलवेज राइट गाइस। मुझे बस वो रूट याद नहीं आ रहा था। अरे भाई ऊपर जाना था। भाई जान एक मिस्टेक हो गया, मतलब सही में पचका करना इसे बोलते। करेक्ट ये वाला ही रूट है। अभी जो सत्तूर चर्च जात्रे सही है सब है यार। जातूर चर्च खत्म हो गया, जात्रा सब जा रहे अभी। नाइस अमेजिंग। क्या भाई पार्किंग है क्या, परफेक्ट पार्किंग। कभी अगर आपको आगे का ना दिखाई दे रहा हो ना तो ओवरटेक करने का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। अभी देखो कैसे उधर रुका, मैं देखा नहीं कोई नहीं आ रहा है तो घुस गया। अरे क्या हमारा इनलाइन फोर है ना तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम रेव बैंड में रहता है। ये देखो
सिक्स गियर 80 की स्पीड पर हमारा रेव तुरंत आ जाता है। तो इसके लिए हमको इनलाइन फोर वालों का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, डोमिनार में ये नहीं करना चाहिए। फाइनली हाईवे आ गया। ओ निट्टे आ गया, निट्टे NMAM, Institute of Technology. तब पार्सल लेके जा रहा था भाई वो बंदा, ऐसा लग रहा था पूरे दुनिया का पार्सल उसको दे दिया। तो देखो कितना मेन रोड पे, अरे मेन रोड पे घर लेने का एक ही रिस्क है, अलग कब टू लेन फोर लेन कर दे लोग का पता नहीं, और फिर उसके बाद अपना तथा घर का शोभा ही बिगड़ जाता है। सही में यार, वैसे अमेरिका जैसा 8-8, 10-10 लेन बन गए एक ही साइड पे, तब क्या होगा पता, कभी ना कभी तो बनना ही है यार, आज नहीं तो कल। तो गाइस बैटरी चेंज हो गई हमारी, अभी एक बस वाला उड़ा देता, मेरे को पता याद ही नहीं कि गोप्रो ऑन करना तो रह ही गया। भाई ऐसे कैसे चलाते, अरे सर जी, अरे रे 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 ऊपर से मेरे को कुछ बोल के गया भाई, हद है भाई, मैं इधर मुंडी घुमा के देख रहा हूँ बंदा। हाँ क्या हरियाली है, एक तो भाई तुम मेरे लेन पे, ऊपर से भाई तुम मेरे को ही हड़का के जाओ, फुर्सत तो जरा पीछे घुमा के थोड़ा वार्तालाप करके आता। कांट डिप मोर क्योंकि मेरा टायर का जो इशू है, मुझे डर लगता है क्योंकि बम्स है टायर पे, ऐसा नहीं है कि इवन वे पे ही है, तो इसके लिए इस बारे में KTRC पे भरोसा तो है, पर फिर भी क्यों रिस्क लेना भाई, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर आफ्टर ऑल। फॉर द फ्रंट सस्पेंशन लगा यहाँ पे बम्पर है, रेड 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 स्ट्रिप्स लगे थे ना, ऐसा अंधेरा रहता है, धूप से आप अचानक से आते हो ना, तो आपको वो नहीं मेजर हो पाता कि वहाँ पे बम्पर है कि क्या है। अभी उधर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, अरे इतना बड़ा पेड़ है कि भाई उधर क्या है, अगर कुछ अंडुलेशन रहता ना तो पता नहीं चलता, क्योंकि अगर लाइट उस पर हीट होती रहती तो आपको पता चलता है कि ऐसा सरफेस है करके, बट अगर नई हिट हो रही है तो यू कांट गेस दैट। अच्छा सर जी ने क्रॉस नहीं किया, अरे रे रे रे, दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है इस इंसान को। फक क्या हो रहा है भाई, इतना गंदा क्यों हिट हो पा रहा है, इतना स्लो करने के बाद भी। बोल लगा है किधर है भाई बम्पर, इधर है। फॉर्च्यूनर थम्बा, इनके तो अलग ही चल रहे हैं भाई, आ जा भाई सर पे ही आ जा, अजीब स्कूटी वाला है भाई, देख रहा आ रहा हूँ फिर भी घुस रहे जा रहा है। तो क्या करना चाहता है भाई, राइट जाना चाहता है तो बोल दे यार, मैं लेफ्ट निकल जाता हूँ। मैडम पीछे तो देख लो, अरे भाई 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 भाई, भाई।
इनके तो अलग ही चल रहे थे। बाइक वाला तो भाई पता नहीं मेरे को देखने के बाद मेरे साइड ही मुड़ गया, माफ कर दही। और वो मैडम तो पता नहीं कहाँ ही देखे चली जा रही थी रोड के, मतलब उसने एक बार पीछे भी नहीं देखा, मेरे एग्जैक्ट पीछे एक ट्रक थी जिसको मैंने ओवरटेक किया, वो आके उड़ा देता तो यार रोक यार रोड क्रॉस करते कुछ तो सोचो यार, तुम्हारी जागीर थोड़ी है भाई रोड, कुछ तो थोड़ा तो थिंक करो यार, तुम्हारी जान ये बाजी पे लगी और किसी की नहीं लगी है भाई। तो गाइस देखो 444444 हो गया है, 333 222 111 तो दिखाया नहीं मैंने तुम लोग को, चलो ये तो दिखाई देता हूँ। तो अभी आप लोग को यही वाला हाईवे दिखाना पड़ रहा है। घूम फिर के हम इधर ही आ जाते हैं ना गाइस। रोज मरा की जिंदगी, अब बनेंगे डेली ऑब्जर्वेशन वीडियो। किधर जा रहा है वो राइट है, रोड तो बंद है, पकड़ कर मुझे पूरा स्लो करा दिया, वहाँ टर्न है वहाँ मार रहा है वो राइट, क्या लोग है भाई दुनिया में। पीछे तो देखा नहीं उसने कि मैं आ रहा हूँ, इधर टर्न मार लिया। हाय गाइस क्या बोलूँ मैं अभी आपको, बोलो थोड़ा यार सिग्नल लाइट दे दिया तो नहीं हो जाता गाइस तुम्हारा रोड, थोड़ा पीछे देखो साइड मिरर का उपयोग करो, पीछे से कोई आ रहा है, मेरी जगह बस होती ट्रक होती तो RIP हो गया होता। अरे चलो सर जी आप मेन रोड पे हो क्या कर रहे हो, अरे हाय इतने टायर, तो टायर पे कितना खर्च हो जाता होगा ना, 8 वापस 4 12 और 2 14 टायर, एक टायर का प्राइस 20,000 ही पकड़ लो, 15-20,000 ही पकड़ लो यार, 1.5-2 लाख रुपए तो कहीं नहीं, 2 से 2 लाख 20,000 तो टायर पे ही जाए। ओ मेरे भाई हद है, थोड़ा तो सेंस रखो भाई, ये देखो दिस शुड बी बैंड मैन, कितना रिस्की है, कैसे बाहर निकल रहा है देखो, ऑलमोस्ट 2-3 फुट जैसा बाहर निकल रहा है ट्रक के निमट के। और ऐसे रोड मत क्रॉस किया करो यार गाइस, कुछ तो देखो यार जो जो कोई आ रहा है कि नहीं, बाइक देख के सीधा भाग लेते हो ये ट्रक से यार, जैसा रिली करना ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके बाजू में कोई ऐसा ही ट्रक चलेगी तो कैसा, वो दोनों घिस घिस के जाएंगे एक दूसरे को। इस ब्रिज से गाइस मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई, देखो इस ब्रिज से पता नहीं ये लोगों ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, आई डोंट नो नीचे रेलवे ट्रैक से कि क्या है आई डोंट नो, बट लिटरली मुझे समझ नहीं है इस ब्रिज से क्या सॉल्व। देखो ये जंक्शन इतना ट्रैफिक वाला है, उधर हमेशा शाम पीक आवर्स में थोड़ा ट्रैफिक रहता है, तो ब्रिज या तो इधर होना चाहिए था, ठीक है चलो आज चेक ही कर लेते नीचे है क्या, रेलवे ट्रैक है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, हाँ रेलवे ट्रैक है, तो इतना बना ही दिया था यार, तो थोड़ा आगे तक बना देते, उस साइड को भी कवर कर लेते, इस साइड को भी कवर कर लेते। देखो एक उस जंक्शन में ट्रैफिक होता है चलो वो तो थोड़ा मैनेजेबल है, बट इस जंक्शन में यार ट्रक्स को जाना रहता है अंदर, क्योंकि ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का, मोबाइल देख रहा है भाई वो बंदा,
तो ये जंक्शन देखो, ये फुल ट्रक्स ट्रक्स आती है तो इधर ही टर्न मारती है। देखो ये भी सिग्नल दे के मार रहा, तो इस जंक्शन को भी आई थिंक कवर कर लेना चाहिए था एक ही बार में। अब वापस नया प्रोजेक्ट डालेंगे, वापस खींचेंगे, वापस पब्लिक को तकलीफ होगा। तो सच्चा पहले ही कर दिया होता तो एक ही बार में। फ्यूचर थिंक करके यार रोड प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये नहीं कि एक बार बना दो फिर वापस तोड़ो वापस तोड़ो। फील होता डॉगी साहब उस प्लास्टिक के पीछे मत भागो, जान से हाथ धो बैठोगे। छी क्या बात मार रहा है यार, कौन मच्छी का ट्रक भी नहीं दिख रहा आसपास के, क्या बात मार रहा है। इसका हाल देखो यार, सही में दिमाग खराब हो जाता है। बोला तो मैंने बहुत बार है बट फिर भी अब पता नहीं चलता। सस्पेंशन बराबर होने के बाद ना पता नहीं। ठीक है ठीक चल। मुझे समझ नहीं आता है रिक्शा वाले बाइक वाले फर्स्ट ट्रेन पे क्यों चलते हैं। चलो नो प्रॉब्लम, बट स्लो तो मत चलो भाई। दोनों आराम से मजे से 40-50 की स्पीड पे फर्स्ट ट्रेन पे चल रहे हैं। ये देखो आराम से एक हाथ से चला रहे फर्स्ट ट्रेन को, जिंदगी की कोई परेशानी नहीं। अरे साइड पे चलाओ यार, जैसे फकिंग नेशनल हाईवे, दिस इज़ अ नेशनल हाईवे यार, साइड पे चलो। ओ माइकल शूमाकर कट तो मारो भाई, ना नहीं बोला, कम से कम आजू बाजू तो देखो, एक्सेलरेटर देखो कैसे घुमा रहे हैं। भागो भाई उस माइकल शूमाकर से दूर, आजू बाजू बिना देखे कट मार रहा है वो। जान जल रही है ओ भाई पागल, हेलमेट वेलमेट कुछ पहना है नहीं भाई, कैसे चला रहा है भाई। गधा, हेलमेट नहीं है कुछ नहीं, नवीन टायर्स भाई, उसको स्कूटी मत दो, नवीन टायर्स वालों उड़ा देगा किसी को। तुम लोग की स्कूटी है तो पर्सनल स्कूटी में ही भेजो भाई। नवीन टायर्स देख लो तुम्हारा लड़का कैसे चला रहा है। मैं ज़रा भी फास्ट होता था आज भाई मेरे को लेके जाता हो, बिना देखे आड़ा टेढ़ा चलाएंगे भाई। कुछ तो सेंस रखो, हेलमेट पहना तक नहीं था, सर्वर पे लगता था टपक ही जाता मेरे से टकरा के। हद नवीन टायर अपने व्हीकल मत दो उस गधे को, किसी को मार वार देगा गधा साला। थोड़ा तो सेंसिबल चलाओ भाई, सीधा लेफ्ट से राइट कट मार के आया, सीधा पूरा लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट से दो लेन बदल के। बोलो मेरी जगह बस होनी चाहिए थी, RIP हो गया होता अभी तक उसका। पया कर रहा था